जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली ये उन सभी बच्चों के लिए है जो इनकी 10th क्लास पास हो गई है, और आप सभी को पता है कि 25 मार्च को एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है कि एसएससी जीडी है क्या, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, और ये किस प्रकार का जॉब है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, एक बात और बता दूँ मैं साथ में, अगर आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में YouTube पर लोगों को पता नहीं है SSGD में। खुद भी कई प्रकार की वीडियो देखता हूँ, उनको पता नहीं है SSGD में जॉब कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उनका खुद का कोई कनेक्शन होता नहीं है, ना वो सामने आके कभी वीडियो बनाते हैं, बस ऐसे बताते रहेंगे ये जॉब है, इसका ये काम है। यहाँ तक कि CRPF, BSF, ITBP, उनको इनके काम भी वो अलग अलग बताते हैं। कई बच्चों कईयों को तो उनकी फुल फॉर्म भी नहीं पता कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो भी वीडियो बना के दबा के चला रहे हैं और बच्चे देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना, अगर आप SSGD की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि SSGD है क्या, इसमें कौन सा जॉब मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम इसकी पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन कि SSGD है क्या। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सभी केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस या CAPF यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस में GD यानी जनरल ड्यूटी के लिए जिन बच्चों की, जिन जवानों की नियुक्ति की जाती है, वो SSGD के थ्रू की जाती है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी फॉर जनरल ड्यूटी के लिए जिनकी। तो दोस्तों, ये जॉब एक कॉन्स्टेबल लेवल की जॉब है, जिसमें आपको बेसिक पे 21,700 से स्टार्ट होकर 69,700 रुपये तक की बेसिक पे मिलती है। दोस्तों, सबसे खास बात, इस वैकेंसी के द्वारा यानी SSGD की वैकेंसी के द्वारा आप SSF, NIA, CRPF, CISF, ITBP, असम राइफल, SSB और BSF, इन सभी 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनमें से असम राइफल आप सभी को पता है मुख्य रूप से पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बाकी सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, लेकिन इनको भी पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाता है। तो इन सभी पैरामिलिट्री फोर्स में आपको ड्यूटी करने का या जॉब करने का अवसर मिलता है इस वैकेंसी के द्वारा। दोस्तों, इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं आप सभी को, आप सभी इनके बारे में अच्छे से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप वीडियो इनके बारे में मैंने बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि इन सभी जॉब को पाने के लिए दोस्तों, इसमें से जब आप फॉर्म भरते हो तो इनमें से आप किस जॉब को फर्स्ट चॉइस भरते हो, यानी आपको इनमें से कौन सी जॉब में जाना है उसको आप फर्स्ट चॉइस भरते हो, तो इनमें से उस जॉब के लिए आप प्रिपरेशन करते हो। लेकिन वो जॉब आपको तभी मिलती है जब आपके नंबर उस जॉब के लेवल के हो। जैसे अगर आपने CISF फर्स्ट चॉइस डाली है, तो आपके नंबर जब CISF के, इसमें होता क्या है कि स्टेट वाइज यानी सभी स्टेट की अलग अलग मेरिट, स्टेट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मेरिट बनती है। CISF की मेरिट अलग होती है, CRPF की अलग होती है, BSF की अलग होती है, असम राइफल की अलग होती है, SSF की अलग होती है, और NIA की अलग होती है, यानी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इन सभी की जो मेरिट होती है वो स्टेट वाइज अलग अलग होती है, हर एक स्टेट की अलग अलग मेरिट होती है। तो आपको जिस फोर्स में जाना है तो आपके उस फोर्स के रिगार्डिंग नंबर होने चाहिए, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके उसके रिगार्डिंग नहीं है तो आप दूसरी फोर्स में नहीं जाओगे और सीधे बाहर हो जाओगे, ऐसा नहीं। अगर आपके, मान लें, अगर CISF की मेरिट जाती है 83 और आपके नंबर है 80, और असम राइफल की अगर मेरिट है 78, तो आपको असम राइफल भी मिल सकती है, या जिस नंबर पर जो 80 है वो आपको अर्धसैनिक बल भी मिल सकता है, लेकिन आपको मेरिट से बाहर नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी आप फर्स्ट चॉइस किस में जाना चाहते हो, तो वो फर्स्ट चॉइस आपको सोच समझ के बढ़नी चाहिए, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखा, आप जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये फोर्सेस मिलती है। अब इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है इसकी नोटिफिकेशन आती है, और इस बार इसकी नोटिफिकेशन 25 मार्च 2021 को आ रही है। इसके फॉर्म 25 मार्च से स्टार्ट होकर 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी बड़ी वैकेंसी आपको इसकी आती है। आपको पता है इससे पहले इसकी जो वैकेंसी हुई 54,000-60,000 या मतलब समथिंग 50,000-60,000 से ऊपर की ही इसकी वैकेंसी होती है, तो मतलब काफ़ी बड़े लेवल की ये वैकेंसी होती है। उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है। पिछली बार की वैकेंसी, उसको 3 साल तक का समय लग गया है, यानी कम से कम आप मान के चलिए इसमें 2 साल तक का समय लग जाता है। दोस्तों, अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसके बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी जो प्रोसेस चल रही है उसमें, उसके बाद में आपका होगा एग्ज़ाम। इस बार का एग्ज़ाम हो रहा अगस्त महीने में, 2 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपका इस बार एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करोगे, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, आप 10th क्लास पास होनी चाहिए, चाहे कोई से भी स्टेट से हो, आपकी कितने भी परसेंटेज हो ये मायने नहीं रखते, आप 10th क्लास पास होनी चाहिए। आपकी एज अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 18 से 23 होनी चाहिए, OBC से 18 से 26 और SC ST से 18 से 28 साल आपकी एज कैटेगरियाँ होना चाहिए।
लड़कों के लिए हाइट कैटेगरिया, लड़कियों के लिए हाइट, चेस्ट वेस्ट, ये सब की डिटेल मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो जाके देख सकते हो आप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पे जाओगे तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, और भी मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो सबसे बेसिक जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो है कि आप 10th क्लास पास होनी चाहिए, चाहे कितने भी परसेंटेज हो कोई मायने नहीं रखता, और 10th क्लास पास होनी चाहिए और आपकी एज इसी क्राइटेरिया के अंदर होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में होता है इसमें एग्ज़ाम। दोस्तों एग्ज़ाम होने के बाद में जो इसमें एक अलग से मेरिट निकलती है, उस मेरिट से जो एग्ज़ाम फाइट करते हैं उन बच्चों का होता है फिजिकल। फिजिकल होने के बाद में, फिजिकल के समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और फिजिकल में इसमें 5 किलोमीटर रनिंग लड़कों के लिए, 1600 मीटर की रनिंग लड़कियों के लिए होती है। दोस्तों लड़कों को 24 मिनट दी जाती है, साथ में 1600 मीटर की रनिंग, लड़कों का चेस्ट वेट भी होता है, लड़कियों का भी वेट चेक होता है, और उस प्रकार से फिजिकल होता है, साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके होते हैं। उसके बाद में उसकी एक अलग फिर मेरिट आती है, उस मेरिट के बाद में जो बच्चे फाइट करते हैं उनका होता है मेडिकल। मेडिकल में इसमें 3 गुना के समथिंग बच्चों को पास किया जाता है, लेकिन वो हर बार आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उसके बाद में जो बच्चे मेडिकल फिट हो जाते हैं या जो बच्चे मेडिकल होते हैं, तो मेडिकल इसका आर्मी के मेडिकल और इसके मेडिकल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। दोस्तों आर्मी के मेडिकल में आप सभी को पता है, अगर छोटा मोटा भी आपकी बॉडी पे चिन्ह होगा या छोटा मोटा भी निशान होगा या थोड़ा सा भी आप इधर उधर होगा तो आप मेडिकल फिट नहीं कर पाओगे आर्मी का। लेकिन SSGD में कुछ चीज़ों में रियायत दी जाती है, जैसे अगर आपके नाक में TNS है तो आपको थोड़ा सा छूट मिल जाए, कान में अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है या ऑपरेशन हो रखा कान को तो भी आपको छूट मिल जाती है, नाक का भी अगर ऑपरेशन हो रखा तो भी छूट मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ उनमें छूट नहीं मिलते हैं, ठीक है, जैसे अगर कलर विजन है तो उसमें छूट नहीं मिलती है, और इस प्रकार की अगर कोई बीमारियाँ तो उनमें थोड़ी सी परेशानी रहती है, उसमें छूट नहीं मिलती है। बाकी आर्मी के मेडिकल की बजाय इसका मेडिकल थोड़ा सा हल्का होता है। उसके बाद में मेडिकल में जिन बच्चों को पॉइंट दिए जाते हैं उनका होता है रीमेडिकल, और जब बच्चे उनका रीमेडिकल हो जाता है फिर मेडिकल और रीमेडिकल वाले दो टोटल बच्चों को मिला के और फिर आती है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट आने के बाद में फिर आती है ज्वाइनिंग। तो दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस इस प्रकार से होती है, और इसमें कम से कम मतलब 2 साल तक का समय लग जाता है। उसका रीज़न ये है, जैसे आप मार्च में फॉर्म अप्लाई करोगे, अगस्त में जाके आपके एग्ज़ाम होंगे, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के समथिंग आपके इसमें रिजल्ट आता है, और फिर 3 महीने के बाद में आपके फिजिकल चलेंगे। तो इसमें 1 से 2 महीने के समथिंग फिजिकल भी चलते हैं, काफ़ी बड़े लेवल की वैकेंसी, 2-2.5 महीने इसके फिजिकल चलते हैं। फिर उसके बाद में आपकी मेडिकल की लिस्ट आती है, जो बच्चे फिजिकल पास करते हैं उनकी फिर मेडिकल की लिस्ट आती है, फिर मेडिकल भी चलता रहता है। तो इसमें कम से कम 2 साल का समय लग जाता है नॉर्मली इस पूरी वैकेंसी में, बड़ी और इंडिया लेवल पर यह वैकेंसी। लेकिन सभी स्टेट के बच्चे इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पेपर होता है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा और भी जितनी भी 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है उनमें भी आता है, जैसे तेलुगु में आता है, तमिल में आता है, मतलब स्टेट वाइज लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है जो जहाँ हिंदी नहीं है उन लैंग्वेज में भी इसका पेपर होता है दोस्तों। तो आप इंडिया में चाहे कहीं से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो किसी, तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों, फॉर्म भरते समय सबसे खास बात आपको ध्यान रखने वाली है आपकी फर्स्ट सोच, दूसरी आपका कोई भी इसमें अगर गलती कर दी आपने फॉर्म भरने में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 2018 की वैकेंसी में बहुत सारे बच्चों को रिजेक्शन लेटर मिला है। इसलिए फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई सी भी प्रकार की आप 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरें, उसके अकॉर्डिंग ही आपके नाम होना चाहिए, आपके टोटल ID उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, साथ में आपके माता पिता का भी अगर नाम उसके अकॉर्डिंग हो तो सबसे अच्छा रहेगा। फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, फर्स्ट चॉइस का विशेष ध्यान रखें, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं विशेष ध्यान रखें, अगर आप नस्किल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो इस प्रकार का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार की अगर आप गलती कर दिए, अगर आप मान लो जनरल से बिलोंग करते हो, आपने नक्सल लिख दिया तो नक्सल का वहाँ आरक्षण भी मिलता है, तो उस आरक्षण की वजह से फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हो, और आपके पास में सेंटर के डॉक्यूमेंट्स लगा के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जब बायोमेट्रिक होती है तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना, एग्ज़ाम देने जाओ तो बायोमेट्रिक के टाइम भी आपको हाथ पूरे क्लीन होने चाहिए, क्योंकि कई बार बायोमेट्रिक मैच नहीं खाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, उस समय भी आपके हाथ पूरे क्लीन होने चाहिए ताकि आपका बायोमेट्रिक मैच खा जाए, आगे जाके आपको परेशानी नहीं हो। ये इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें, बाकी इसके बारे में और पूरी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।